हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इससे पहले वाले मैंने आपको वीडियो में जितने भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ऑर्गन थे, तो वो सारे ऑर्गन के बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो जाकर आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हमारा इस YouTube के अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़िए। मैं उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको डेली 25 क्वेश्चंस का सेट दिया जाता है दोस्तों, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर हो या कोई और भी ग्रुप पर हो, तो आप उन्हें भी बताइए, उन्हें भी लिंक शेयर करिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको ये फिगर दिख रहा होगा दोस्तों, इस फिगर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसी के बारे में जानना है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या ख्याल रखना है फ्रेंड्स, वो ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको यह ख्याल रखना है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी ये क्या होता है, ये लार्ज पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ख्याल रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट, इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। जो पाचन की क्रिया होती है ना फ्रेंड्स, वो इसमें क्या हो जाती है, पूरा हो जाता है, इसमें पूर्ण हो जाता है पाचन की क्रिया। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। लंबाई कितना होता है फ्रेंड्स, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर आपसे चौड़ाई के बारे में चर्चा करेगा, तो आपको चौड़ाई बोलना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या ध्यान रखिएगा आप, देखिए लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, ठीक है, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, तो शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो कैसी होती है, वो छोटी आंत की लंबाई फ्रेंड्स अधिक होती है, ठीक है। जबकि अगर वही आप बात करोगे मांसाहारी, ठीक है, तो मांसाहारी में क्या होता है, शाकाहारी की तुलना में कम होता है, शाकाहारी की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, शाकाहारी में क्यों अधिक होता है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक ढंग से हो सके, इसी कारण से शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत के 3 कौन कौन भाग है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला है फ्रेंड्स ग्रहणी, ठीक है, पहला क्या है, ग्रहणी, इंग्लिश में कहा जाता है डिओडिनम कहा जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे डिओडिनम, ठीक है, डिओडिनम, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जेजुनम कहा जाता है, ठीक है, जेजुनम, और उसके बाद होता है इलियम, ठीक है, इलियम। तो ये आपका छोटी आंत का 2 पार्ट्स होता है, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो बढ़ते हैं दोस्तों, एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, जो आपका ग्रहणी जो होता है, ड्यूओडेनम जो होता है दोस्तों, वो छोटी आंत का पहला भाग होता है। ये छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यानी देखिएगा दोस्तों, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, आपको जो इस तरह का जो दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से ये देखिए, ये बिल्कुल ये पार्ट्स, ये वाला, इस पार्ट्स को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट्स, ठीक है, इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, पाइलोरिक पार्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका पकवासय होता है, या उसे ये ग्रहणी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ये यहीं पर होता है।
और इसे बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट्स बोलते हैं, जो कि अंग्रेजी के सी आकार के जैसा होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के सी आकार आपको दिख भी रहा होगा, सी आकार के जैसा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे कहा जाता है ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र हो, छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, एक नलिका खुलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसी में, कि आपका जीवजनम जो होता है, ठीक है, जीवजनम आपका जो जीवजनम होता है वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, ठीक है। वो छोटी आंत का कौन सा भाग होता है? वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, और जीवजनम के बाद जितना भी सारा कुछ बच जाता है तो वो क्या होता है, तो वो आपका इलियम कहलाता है, ठीक है। और इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ समाप्त हो जाता है, तो आपको जवाब देना है इलियम, ठीक है, इलियम जवाब देना है। अगर ऑप्शन में इलियम है तो इलियम को टिक करिएगा आप, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इसी भाग में होता है, ठीक है। भोजन जो आता है इसी भाग के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत रस, अग्नाशय रस और आंत्र रस की क्रिया के कारण होता है। पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये छोटी आंत है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, छोटी आंत है। अब क्या हो गया, इस छोटी आंत में भोजन का कण आया, तो मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि इसी छोटी आंत में क्या होता है, इस छोटी आंत में बहुत सारे रस पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सारा रस होता है, तो पहला आप याद रखिएगा बाइल, ठीक है, जिसे हम पीतरस बोलते हैं, ठीक है, बाइल पीतरस, ठीक है। तो ये पीतरस कहाँ से आएगा, तो ये लीवर से आता है, ठीक है, ये पीतरस कहाँ से आता है, लीवर से, तो बाइल। नेक्स्ट उसके बाद आपको याद रखना है पैनक्रियाटिक डक्ट, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझ लीजिएगा, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए आपका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सारा रस आता है, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया बाइल, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि कहाँ से आता है, ये तो ये लीवर से आता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है, तो सेकंड आपका होता है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये किससे आता है, तो ये पैनक्रियास से आता है, पैनक्रियास जिसे आप अग्नाशय बोलते हो, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट या हिंदी में बोलेंगे तो अग्नाशयी रस, ठीक है। और थर्ड आपका होता है आंत्र रस, हिंदी में बोलते हैं आंत्र रस, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे शकस एंटेरिकस, ठीक है, शकस एंटेरिकस बोलते हैं। तो ये तीनों रस जो होते हैं दोस्तों, आप प्लस कर सकते हो, ठीक है, ये तीनों रस जो होते हैं ये आपका छोटी आंत में भोजन से क्या होता है, मिल जाता है, और जिसके कारण से फिर आपका पाचन की पूरी क्रिया जो होता है वो पूरी पूरी हो जाता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कहाँ पर होता है, तो ये आपका छोटी आंत में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और है दोस्तों, बस थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिससे भोजन के जटिल, ठीक है, भोजन के कौन सा रहा जटिल, ठीक है, भोजन के जो जटिल होते हैं, जटिल अणु, आघूलनशील अणु, वो क्या होते हैं, सरल अणु में बदल जाते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, सरल अणु में बदल जाएंगे। इस अवस्था में काइम और भी पतला हो जाता है, अब उसे काइम ना कहकर उसे चाइल कहा जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले वाले वीडियो अगर मेरा आपने देखा होगा, तो मैंने काइम के बारे में बताया होगा कि काइम क्या होता है। तो काइम किसे बोलते हैं, तो भोजन का जो पेस्ट रूप जो होता है उसे ही काइम बोला जाता है, और ये काइम की अवस्था आपका स्टोमक में होती है। उसके बाद ये काइम जो होता है दोस्तों, ये चाइल में चेंज हो जाता है, किस में होता है, चाइल। तो ये कहाँ चेंज हो जाता है, तो छोटी आंत में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये और पतला हो जाता है, ठीक है, और पेस्ट की तरह और पतला हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या होता, उसके बाद आपका दोस्तों ठीक है, चाइल के बचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। अब क्या होता है कि इलियम में क्या होता है, विलाई पाया जाता है, कुछ इस तरीका से विलाई पाया जाता है दोस्तों, जो कि इलियम में मौजूद होता है। और इलियम क्या होता है, तो आपका छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट्स को बोला जाता है इलियम, ठीक है। तो इसी इलियम में पाया जाता है क्या चीज़, रसांकुर, या जिसे हम विलाई बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस रसांकुर में, इस विलाई में क्या होता है, रक्त केशिका, ठीक है, रक्त केशिका इसमें जुड़ा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रक्त केशिका। तो रक्त केशिकाओं से भोजन के कण मिल जाते हैं, और इसी रक्त केशिका के माध्यम से जो भोजन जो होते हैं पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यही है आपका भोजन का प्रोसेस, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका छोटी आंत कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बड़ी आंत कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या याद रखना है कि छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलता है। यानी अब हम लोग किस में आ गए, अब हमें आना है लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो छोटी आंत का जो रास्ता खुलता है वो कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया है, तो वो दो भाग कौन कौन है, तो वो दो भाग है कोलन, एक पहला भाग है कोलन, और सेकेंड आपका होता है मलाशय, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलेंगे, रेक्टम। तो याद रखिएगा आप, बड़ी आंत के दो भागों में बांटा गया, एक कोलन है और एक आपका क्या है, मलाशय है, या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टम कहते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली जैसी रचना होती है, जिसे सीकम कहा जाता है, ठीक है। आपका जो फ्रेंड्स जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, दोनों दोनों के जोड़ पर, जहाँ दोनों से जुड़ा होता है, ठीक है, तो दोनों के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, तो उस छोटी नली को कहा जाता है शिकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिकम। ये इस शिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, क्या होती है, उंगली जैसी रचना होती है, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स बोलेंगे। चलिए मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटी आंत का पार्ट से, सॉरी, ये जो आपका बड़ी आंत का पार्ट्स है, ये जो सारा कुछ है दोस्तों ये आपका छोटी आंत का पार्ट्स है, ठीक है। और आपका जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ये इधर देखिएगा, यहाँ इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। देखिए कुछ उंगली जैसा ही रचना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कुछ उंगली जैसा रचना है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स सभी में होता है दोस्तों, आप देखते होंगे अपेंडिक्स जब किसी का बढ़ जाता है तो बहुत ही दर्द करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अपेंडिक्स ऐसे समय होता है, और अपेंडिक्स जो होता है एक अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं होता है शरीर में, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, यह अवशेषी अंग होता है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कोलन तीन भागों में बटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कोलन जो होता है फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको कोलन के बारे में बताया, तो कोलन जो होता है कितने भागों में बटा होता है, तो कोलन तीन भागों में बटा होता है, कौन कौन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, पहला है फ्रेंड्स ऊपरी गामी कोलन, इंग्लिश में बोलेंगे एसेंडिंग, ठीक है, एसेंडिंग कोलन कहा जाता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसेंडिंग कोलन कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड को बोला जाता है अनुप्रस्थ, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन। और आपका थर्ड क्या है, तो थर्ड को बोलते हैं अधोगामी, ठीक है,
अधोगामी, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। तो यही तीन प्रकार का कोलन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो डिसेंडिंग कोलन जो होता है ये वाला, ठीक है, डिसेंडिंग कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अधोगामी जो होता है ये किससे जुड़ा होता है, तो ये आपका जुड़ा होता है एनस से, एनस जो कि सबसे लास्ट वाला पोर्शंस होता है दोस्तों। और फिर इसी से जो आपका अवशिष्ट पदार्थ जो होता है लेटरिंग वगैरह, वो एनस के सहारा फिर शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका बड़ी याद कंप्लीट हो चुका है। अब तो बड़ी याद में ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि इलियम एवं कोलन के जोड़ पर एक वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको इलियम पढ़ाया था, ठीक है, इलियम और एक कोलन, ठीक है, इलियम एवं कोलन के जोड़ पर एक वाल्व होता है, ठीक है, एक रचना पाई जाती है, इस रचना का नाम है इलियोशिकल वाल्व, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलियोशिकल, इसे बोलते हैं इलियोशिकल वाल्व, बोलते हैं इलियोशिकल वाल्व, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये इतना दूर कंप्लीट हो चुका है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो पढ़ते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स अब आगे ध्यान दीजिए डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल में जितने भी अंग आते हैं, तो उन सभी अंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो उन भोजन को पचाने के लिए कुछ पाचक ग्रंथियां भी मौजूद होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह का आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। फर्स्ट आपका होता है इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक पाचक ग्रंथि, और उसके बाद आपका होता है एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में, बाह्य पाचक ग्रंथि। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा, आंतरिक पाचक ग्रंथि यानी इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होता है, यानी जो एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल के दीवार में क्या होता है, मौजूद होता है, जो एलिमेंट्री कैनल के दीवार में मौजूद रहेगा ना, तो उसी को कहा जाता है इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे मैं आपने नाम सुना होगा, जैसे एग्जांपल में हो गया फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा म्यूकस ग्लैंड का, ठीक है, किसका, म्यूकस, ठीक है। तो आप जैसे बोल सकते हो म्यूकस ग्लैंड बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अमाशय की दीवार, अमाशय की दीवार पर जो जठर ग्रंथि, ठीक है, इसके अलावा आपका गैस्ट्रिक, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसे जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये ध्यान में रखना, ये सारा जो आपका है आंतरिक पाचक ग्रंथि है। इसके अलावा आंत के दीवार की ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ग्रंथि, ठीक है, कौन ग्रंथि, ब्रूनर्स, क्या बोलते हैं उसे, ब्रूनर्स कहा जाता है, ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड है। तो ये सारा कुछ आपका इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आते हैं हम लोग, एक्सटर्नल वाला में बाह्य पाचक ग्रंथि में, तो आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों को बाह्य पाचक ग्रंथि कहा जाता है। मतलब आहार नाल के अलावा जितने भी ग्रंथि है, जैसे दोस्तों, तो जैसे आपका हो गया सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है, कौन ग्लैंड,
सेलेवरी ग्लैंड जिसे हम बोला जाता है हिंदी में लार ग्रंथि। इसके अलावा आपने लीवर का नाम सुना होगा, लीवर भी आता है। इसके अलावा आपने अग्नाशय का नाम सुना होगा, गैल ब्लैडर का नाम सुना होगा। तो ये सारा कुछ आपका एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ते हैं पहला, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट मेरा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है लार ग्रंथियां। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जो आपकी पहली जोड़ी जो लार ग्रंथि जो होती है दोस्तों, वो जिह्वा के दोनों ओर, ठीक है, आपका जिह्वा जो होता है, जीभ जो होता है, दोनों ओर जो किनारे का साइड जो होता है उसी में आपका पाया जाता है। ठीक है, तो पहला जोड़ा याद रखिएगा, पहला जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो दोनों किनारा, ठीक है, कहाँ मौजूद होता है? तो दोनों किनारों पर मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। मैं पर लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे? सब लिंगुअल ग्लैंड बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका दूसरी जो होती है, दूसरी दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि जो होती है दोस्तों, वो निचले जबड़े के मध्य में होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, निचले जबड़े के मध्य में। आप चाहे तो इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो निचले जबड़े के मध्य में स्थित होती है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसे कहा जाता है सब मैक्सिलियरी ग्लैंड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब मैक्सिलियरी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, सब मैक्सिलियरी ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। आपका जो तीसरा जो होता है दोस्तों, तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि जो होती है, दोनों कानों के नीचे होती है। ठीक है, तो ये दोनों कानों के क्या पाई जाती है? तो दोनों कानों के नीचे मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती है? तो दोनों कानों के नीचे एकक की संख्या में, ठीक है, एकक की संख्या में ये मौजूद होती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसे कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। इसे क्या बोलेंगे? पैरोटिड, ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य के लार में, ठीक है, लार को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का जो सलाइवा जो होता, लार जो होता, लार में लगभग 99% वाटर, ठीक है, 99% जल, तथा जो 1% जो बचा ना फ्रेंड्स, 1% में इंजाइम होता है। क्या होता है? इंजाइम, ठीक है, इंजाइम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 99% वाटर होता है और 1% क्या होता है? 1% आपका इंजाइम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के इंजाइम होते हैं। तो कौन कौन सारा 2 प्रकार के इंजाइम होता है? तो पहला होता है टाइलिन, ठीक है, पी से शुरू होता है फ्रेंड्स, टाइलिन होता है, ठीक है, टाइलिन। और आपका नेक्स्ट जो होता है सेकेंड नंबर, उसको बोलते हैं लाइसो लाइसोजाइम, ठीक है, उसका क्या नाम है? लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें लगता है वीडियो लंबा हो रही है, ठीक है, लंबा हो रहा है वीडियो, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आगे आपका बाकी आपका लीवर बचा हुआ है, पैनक्रियाज है, एक गैल ब्लैडर है, और थोड़ा सा मनुष्य में पाचन का जो प्रोसेस जो होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मुख से लेकर बकल कैविटी से लेकर बिल्कुल आपका रेक्टम तक कैसे भोजन का प्रोसेस होता है, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए फ्रेंड्स, वो भी जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उन फ्रेंड्स को भी बताइए आप, ठीक है, लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल सके। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। और आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर जो आपको जो 20 से 25 क्वेश्चन का जो सेट दिया जाता है वो बिल्कुल ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।